हेलो फ्रेंड्स, 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम चेस के पॉन की बात करेंगे, प्यादे की। बेसिकली हम आज सीखेंगे कि प्यादे को हम कैसे मूव करते हैं चेस बोर्ड में, और उसके सुपर पावर को भी जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है हमारे चेस का। तो चलो आज शुरू करते हैं। जो हमारी पॉन है, आप देख सकते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग पोजिशन में है। इस तरह से हम इसको पहले प्लेस करते हैं, सब आगे फ्रंट पर जितने भी पीस हैं हमारे, उसके फ्रंट पे हम यहाँ प्लेस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पॉन की पहली चाल होती है वो ऑप्शनल होती है, या तो टू स्टेप चल सकता है, या वन स्क्वायर चल सकता है इस तरीके से, या ये पॉन वन स्क्वायर चल सकता है या टू स्क्वायर चल सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि हमको टू ही चलना है या वन ही चलना है। आई होप ये ऑल आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसका सपोज हमारे यहाँ पे पॉन इस तरीके से है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ये बाकी के पॉन हैं ये टू चल सकते हैं, बट ये वाला जो पॉन है हमारा वो केवल वन ही स्टेप चल सकता है, क्योंकि इस जो ये ब्लॉक कर रहा है जो हमारा ब्लैक पॉन है, या फिर अपना पीस हो कोई भी, तब भी ये ब्लॉक हो सकता है। जैसे कि मैं सपोज इसके आगे एक रुक है, या फिर सपोज एक इसके आगे नाइट है, इसके आगे रुक है इस तरीके से, तो हमारे जो ये वाले पॉन हैं, ये दो पॉन ये ब्लॉक हैं, ये ना तो वन स्टेप चल सकते हैं ना ये टू स्टेप चल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुके हैं आगे से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारी ये है कि जब हमारा ये पॉन है आगे बढ़ चुका है इस तरीके से, तो ये पीछे की तरफ नहीं आ सकता, ये केवल एक ही डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड की तरफ इस तरीके से। सपोज ब्लैक वाले के पॉन ऐसे मूव कर दिया आगे, तो ये केवल फॉरवर्ड की तरफ ही चलेंगे ऐसे आगे, तो फॉरवर्ड की तरफ जैसे ये पॉन चलता गया आगे, बट इसके बाद ये ब्लॉक हो चुका है, ये इसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे। सपोज ये नाइट इस तरह से हटता है, घोड़ा इस तरह से हटेगा, तब ये आगे जा सकता है। तो ये हो गया इसकी बेसिक मूवमेंट कि ये कैसे मूव करता है। अब इसके हम देखते हैं अटैकिंग पार्ट कि ये अटैक कैसे करता है। सपोज हमारे ये वाले दो पॉन हैं इस तरीके से, और इसके आगे हमने इस तरह से पीस रख दिए। ये अटैक केवल हमारे वन स्टेप पे ही कर सकता है पॉसिबली, जो भी हमारा ये पॉन है इस तरीके से, तो ये ना तो मतलब बहुत दूर नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत ही सिंगल दो स्टेप जो होते हैं उसके उसी पे करता है। तो जो हमारा प्यादा होता है, जाता तो वो सीधा है लेकिन मारता वो टेढ़ा है इस तरीके से। ये तो ये जो ये पॉन है हमारा, ये वाला, तो ये वाला पॉन अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई पीस होगा इसके डायगोनल में, उसको वो कैप्चर कर सकता है, मार सकता है। तो सपोज मेरा ये रुक यहाँ पे ना हो के यहाँ पे हो, और यहाँ पे दूसरा कोई रुक हो, तो ये वाला जो पॉन है मेरा इसको कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि अब वो उसको कैप्चर कर दिया। अब जब भी मूव हो चुका है इस तरफ ये पॉन, फर्दर ये बैक नहीं आ सकता, केवल यहीं से अब इसकी जो यात्रा होगी यहीं से शुरू होगी, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा इसका कैप्चर पार्ट हो गया। तो सपोज इस केस में आप देख सकते हैं जो ये पॉन है मेरा, ये सारे पॉन, अगर मैं इस पॉन की बात करूँ सेंटर वाले पॉन की, तो ये किस किस को मार सकता है? ऑफकोर्स जो ये इसका डायगोनल है ये वाला, ये इस पीस को भी मार सकता है, इस पीस को भी कैप्चर कर सकता है। तो ये हमारा पार्ट हो गया इसका कि हम कैसे कैप्चर करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पैसेंट वाला रूल। उसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये वाला पीस है एक, सपोज हम यहाँ पे हम चले गए ऐसे मूव करते हुए, और जो हमारा ब्लैक है अभी स्टार्ट कर रहा है अपना जो ये वाला पीस है हमारा, ये वाला जो पीस है वो स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी। तो इसने बोला कि अगर मैं एक स्टेप चलूँगा इस तरह से, तो ये मुझे कैप्चर कर लेगा, ये वाला जो पॉन है। तो इसने सोचा कि चलो दो पीस कर लेते हैं कैप्चर, तो अब नहीं कर पाएगा। बट एम्पैसेंट के केस में ये होता है कि ये इमेजिनरी यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, जस्ट अगर वो उसके बाद इसने ये चाल चली है, जस्ट उसके बाद ही अगर इसे कैप्चर कर सकता है, मतलब उसी के जस्ट बाद ही कैप्चर कर सकता है। अगर उसने सोचे कि नहीं अभी करूँगा बाद में करूँगा, तब पॉसिबल नहीं है, केवल उसी मूव के बाद ही ये पॉसिबल है कि इसने ये टू स्टेप चला इस तरह से, और ये इसको कैप्चर कर सकते हैं ऐसे करके। ये कैप्चर कर दिया और ये गायब हो गया हमारा।
मतलब ये कैप्चर हो गया इसका, लेकिन ये प्लेस यहाँ पे नहीं लेगा, उसके प्लेस यहाँ पे लेगा, क्योंकि जो हमारा टू वाला जो स्टेप होता है उसमें वन स्टेप भी इंक्लूडेड इंक्लूडेड है, मतलब उसके अंदर है ही ऑलरेडी, तो इसलिए वो एम्पेसड वाला रूल होता है। तो अब सुपर पावर की बात करते हैं हम अपने चेस पॉन की। सपोज ये पॉन मेरा, इसने स्टार्ट किया यहाँ से, ये वाला जो मेरा पॉन है इसने स्टार्ट किया है कि अपनी जर्नी, इसने पहले टू स्टेप चला, उसके बाद एक स्टेप चला, और एक स्टेप चलते चलते वो लास्ट में यहाँ पे पहुँच गया है जो ये वाला स्क्वायर है। तो ऐसे करके जितने भी स्क्वायर हैं लास्ट में यहाँ पे पहुँचते हैं, जो हमारे कंकरेंट जो अगर उस पाथ में चल रहे हो हमारे जो ये पॉन है प्यादे हैं। तो अब जब ये प्यादा यहाँ पे पहुँच गया तो उसका क्या होगा, उसका वो रूप बदलने वाली जो शक्ति होती है, उसकी सुपर पावर होती है, उसका उसका इस्तेमाल करके वो हमारा जो ये वाले पीस हैं किसी में भी कन्वर्ट कर, मतलब किसी में भी बदल सकता है, चाहे वो हमारा रानी बन जाए या फिर हाथी बन जाए या ऊँट बन जाए या घोड़ा बन जाए। तो हमारे पास चॉइस है कि हम किसी में भी उसको बदल सकते हैं यहाँ पे, पर बदलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गए इसकी सुपर पावर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।